哇！हम अभी हिमालय पर्वत से आए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात भाई। वहां पे क्या था? ठंड थी वहां, ठंड ठका देने। नहीं, उसके अलावा क्या था? और चोटी, पहाड़, बर्फ। मगर आप तो यहाँ पे बैठे हैं, आप हिमालय से कैसे? गुस्ताख, दफा दूर हो जाओ, हम देखना नहीं चाहते आपको, दफा दूर हो जाओ। यार क्या बंदा है यार, मैं जाली हूँ यार, बताओ यार, दफा हो जाओ। क्या यार, कहाँ से आदत है ऐसे ऐसे लोग। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ यार तेरे पास एक बहुत मोटी सामी भेजी है। क्या? बहुत पैसा उसके पास, घर से कोई प्रॉब्लम से चल रहा है उसके मामले में। तेरे से बहुत कीमती घड़ी पहनी है उसने, घड़ी जरूर उतरवा लेना उसकी। हाँ, और उसमें काफी पैसा है, मोबाइल भी काफी महंगा है। कपड़े कौन से कलर के पहने? कपड़े ग्रे कलर की शर्ट पहनी थी, टी शर्ट। ऐसा करिए, पैसे मेरे घर भेज दीजिए। हाँ यार, पैसे पहुंच जाएंगे ऑफिस। रुक जाओ, जाने वाले रुक जाओ, वापिस आओ, तशरीफ रखो। आप जाना चाहते हैं हिमालय पर्वत, ठंडी हवाओं में, ठंड में? हाँ जाना चाहता हूँ, मगर आप कैसे लेके जाएंगे? मेरे पास कुछ खास खूबियां हैं, कुछ खास खूबियां। चले, अगर आपको बस आंखें बंद करके कोई चीज फील नहीं करनी, बस आपने दिमाग में कुछ भी नहीं रखना। चले, जैसा आप कहते हैं। हाँ, आंखें बंद कर लें, उससे पहले अपनी जेबें हल्की कर लें। क्या मतलब? मेरा मतलब हल्के हो जाएंगे, कोई चीज साथ नहीं जाती वहां पर। अच्छा अच्छा, अपनी घड़ी उतार दें, हर चीज पॉकेट तमाम खाली कर दें। आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करनी है ना? कर ली क्या? बाबा ढोंगी निकले, तमाम चीजें लेकर भाग गया।
इस शख्स के पर्स में लाखों रुपए के चेक थे। मेरे पास कुछ खास खूबियाँ वो भी गए उससे पहले अपनी जेबें हल्की करी। 420 कौन है? आजो आजो। क्या है? काम था तुम्हारे साथ? क्या काम है? बदला लेना है किसी से? बदला? धोखा हुआ है मेरे साथ। ठीक है, मगर आज नहीं, कल। कल फारिग हूँ मैं। ठीक है, यहाँ एक डायरी पड़ी, उस पर अपना नंबर छोड़ जाओ और तो मैं कॉल करूँगा। नंबर लिख देता हूँ। कल जिसे बदला लेना उसकी फ़ोटो लेकर आना, रकम मैं तुम्हें फ़ोन पर बता दूँगा। काम तो हो जाएगा ना? काम वो तो काम देखकर ही पता चलेगा, जितना बड़ा काम उतनी रकम। ठीक है, अब जाओ और दरवाज़ा लगा के जाना। मुश्ताक, मुश्ताक डोम, जनाब ने थोड़ी तमाशाई तबीयत पाई है। ये अपना चेहरा किसी को दिखाना पसंद नहीं करता। इसका एक ग्रुप है, हर काम अपने आदमियों से करवाता है, चाहे वो पानी का गिलास उठाना हो, चाहे आदमी मारना हो, हर काम। ये था डूंगी बाबा, जिसका नाम हसन है। फुल टाइम 420। हेलो। ओ हसन, मेरे पैसे दे दे। दे दूंगा यार, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। मगर तूने तो कहा था तेरे घर पहुँच जाएंगे पैसे। हाँ हाँ बेटा, बाप का नौकर हूँ ना, जो घर पहुँचा के हूँ। तूने पहले भी मेरे साथ ऐसे कई दफ़ा किया है, मगर अब की बार मैं अपने पैसे लेके ही छोड़ूंगा, समझ में आई बात? अच्छा, हिम्मत तो लेके दिखा। बात सुन मेरी, उन पैसों से ना यूरोप का वीज़ा लगवा लिया मैंने, और वीज़ा लग भी गया, और मैं जा रहा हूँ यूरोप। कौन सा लोग जा रहा है तू? मैं क्यों बताऊँ? पागल। Despacito। हेलो हेलो ओए हेलो। हसन ने जिस आदमी को ढोंगी बन के लूटा था, इसके पर्स में 50 लाख का चेक था, जिससे वो आदमी घर खरीदने जा रहा था। उसकी फूटी किस्मत के प्रॉपर्टी डीलर के पास जाने से पहले वो इसके पास रुक गया और लूटा गया। खैर, हसन ने वो पैसे यूरोपियन वीज़ा हासिल करने पर लगाए,
और आखिर स्पेन का वीज़ा हासिल कर लिया। I'm coming Spain. I'm coming. अयाज ये अमीर अमीर लोगों को हसन के पास भेजता और ये दोनों इनको मिलकर लूटते। बेचारा आज खुद ही लूटा गया, ये तो कुछ कर भी नहीं सकता। फोन काट दिया। अच्छा ना किया बेटा तुमने मेरे साथ। उसने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वो चाहता था कि वो तमाम 420 छोड़ दे। मगर वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। आखिर हसन स्पेन पहुंच गया और बहुत खुश भी था। उसने वहां मेहनत करके काफी पैसे कमा लिए। अब वो अपना काम शुरू करने की सोच रहा था। हमाद हसन का बहुत करीबी दोस्त बन गया था। ये दोनों तकरीबन एक ही साल यहाँ आए थे। यार हसन तेरे पास 5000 एरो होते तो हम एक अच्छा तो नहीं एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, क्या बोलता था? बात तो तेरे ठीक है यार। क्या बोलता था? तेरे कल बताऊंगा सोच के। चल ठीक है, चलो कॉफी पीते हैं। चल हेलो। वो स्पेन चला गया है। तो फिर तो गया, अब कौन जाए उसके पीछे स्पेन? ये क्या बात हुई? इतना बड़ा काम नहीं हम कर सकते। क्यों? अल्लाह हेलो हेलो शिट, कैसे लाऊंगा अपने पैसे वापस? क्या सोचा फिर यार? सोचा बनाते हैं रेस्टोरेंट। ओह यस, मगर सारा पेपर वर्क तेरा। ठीक है भाई, और मैं कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ। उसके लिए भी पैसे भी चाहिए भाई। उसकी टेंशन ना ले, 1,00,000 यूरो है मेरे बैंक में। वो कहाँ से आए तेरे पास? आए तो हम दोनों साथ थे। 420 तुझे नहीं समझ आएगी? खैर तू पेपर वर्क स्टार्ट कर। ठीक है जब सारा हो जाए, यहाँ पे मेरा साइन लेने हैं तो बता देना। हसन को अपना बिजनेस बनता दिख रहा था और वो बहुत खुश भी था। और उसे हमाद को बहुत ये है दुनिया यहाँ चलती है 420। मैं हूँ इंसान, मैं हूँ 420, मैं हूँ इंसान, मैं हूँ 420, मैं हूँ 420, मैं हूँ 420, मैं हूँ 420।
ये है नितिनदीप, हसन का एक और दोस्त, मतलब ही है मगर वक्त आने पर। यार हसन तेरे से पेपरों पे कुछ साइन लेनी है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ओके। हमारे जैसा अच्छा और ईमानदार दोस्त हसन को आज तक नहीं मिला, न जाने क्यों क्यों जिंदगी उसे इतना कुछ दे रही थी। हालांकि वो एक धोखेबाज, लालची और खुदगर्ज इंसान था। खैर, खुदा की खुदा ही जाने। कौन आ गया? हाँ भाई, कैसा है? ठीक ठाक। और कहाँ पे करने साइन? यहाँ पे। बॉल पॉइंट तो दे। ये नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे हो गया। थैंक यू यार। शुक्रिया किस बात का यार? यार तूने इतना बड़ा काम अपने जिम्मे लिया। अरे मेरे जैसा किसी किसी को दोस्त मिलता है। ये तो बात तेरी ठीक है। चल ठीक है। अल्लाह। बड़ा गले मिल रहा है जान। नहीं यार, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया मेरे मौला। कैसे उठाएगा फोन? वो तो नोर में है। फोन क्यों नहीं उठा रहा? कैसे उठाएगा फोन? वो तो नोर में है। क्या बात कर रहा है भाई? अभी सुबह तो वो मुझसे साइन करवा के लेके गया। किस पर? शायद चेक था। शायद चेक था। अभी जा देख कर आ कि बैंक में कितने पैसे हैं। यार वो ऐसा नहीं है, वो नहीं कर सकता ऐसे। अभी फोन नहीं उठा रहा, बिजी होगा। जहाँ में ना, जहाँ में किसी का भरोसा नहीं है। नहीं है यार वो ऐसा नहीं है। देख रहा कि बैंक में कितने पैसे हैं। ओके तो यहाँ पे बैठ, मैं भी देख के आता हूँ। हसन बैंक पहुंचा और देखा उसके अकाउंट में 1,00,000 यूरो में से सिर्फ 1,000 यूरो बचे हैं, और वो ये देखकर हैरान रह गया। हैरान होता भी क्यों ना, सिर्फ चंद ही घंटे में उसकी तकदीर ने उसको आसमान से ज़मीन पर लाकर फेंक दिया। हाँ क्या बना? कुछ भी नहीं है बैंक में। यार क्या बात कर रहा है? कुछ भी नहीं है। तुझे थोड़ा भी फिक्र नहीं है? जरा भी नहीं, जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ मेरे साथ। क्या बात कर रहा है? मुझे पता है, मैं भी पहले यही काम करता था। एक आदमी को लूट के यहाँ पे आया था, 50,00,000 थे उसके पर्स में। 50,00,000 जो मेरा सबसे बड़ा जुगाड़ लगा था यहाँ आने का। मैंने एक डूंगी बाबा बन के लूटा था। डूंगी बाबा। अब असर आया ना यार, तू अब क्या करेगा? कुछ नहीं, नए सिरे से लाइफ शुरू करूंगा। एक अच्छी ईमानदारी वाली लाइफ, इसमें कोई 420 ना हो। जो मेरे साथ 420 करके गया है ना, एक दिन उसके साथ भी होगी। कि तू लिखा ले तू किधर यार, अब तेरे पास तो कुछ रहा नहीं। तू
इस काम का। हसन जान चुका था कि 420 से जिंदगी नहीं चलती, कभी ना कभी खुद भी दो नंबरी का शिकार बनना पड़ता है। इसे समझ आ गई थी कि जैसी करनी वैसी करनी, अब ये एक सही इंसान बन गया था, क्योंकि अब इसने भी धोखा खाया है, ठोकर खाया। कुछ ही पलों में उसे यह एहसास हो गया कि उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, और वो अचानक ही बदल गया। निथन अपनी ही बात पर पूरा उतरा कि यहाँ पर किसी का भरोसा नहीं है, वो भी छोड़ के चला गया। छोड़ना ही था, आखिर मतलब ही दोस्त था, वक्त आ गया था छोड़ने का। अब हसन ने सोचा स्पेन में क्या रखा है, तो उसने पाकिस्तान का रुख कर लिया और अपने साथ जाते हुए कुछ बुरी यादें ले गया। आइंदा उसने किसी पे भरोसा नहीं किया, किसी पे भी। ये नो ग्रावर इसो टेस्ट ब्रो यू पेरा दे मेनू कट। वो ऐसा है कि पेपर ना सारे नहीं आ रहे थे इसके अंदर। हाँ। पेपर नीचे थे, बोलीग्राफ हमारे पास नहीं है, पेपर थोड़े से हम नीचे ही रख लेते हैं। हां अच्छा बॉल पॉइंट। हां अच्छा 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 नहीं आप वो हो आप सॉरी सो। अरे यार अच्छा, अरे शुक्रिया किस बात का यार, शुक्रिया यार, अरे शुक्रिया किस बात का यार, इतना बड़ा काम तूने अपने जिम्मे। अरे मैं भी डायलॉग बोल रहा यार। कैमरा रोल एक्शन। वेल चले ना दाग मुक्ता के शर्म ना एक्शन। चलो कैमरा रोल। नहीं मैं तो म्यूजिशियन हूं यार। कैमरा रोल एक्शन। हेलो हसन यार, मैंने कुछ पेपर साइन करवाने हैं तो मैं उचिया हवेलिया होकर लम्मिया ते सहेलियां ओ वीरे पले साडे कख नी ओ यारा वेलिया दे वेलिया ठीक है। ओला